हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मसाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके वीवो Y15s में यदि इसमें अगर आपके हेडफोन का लोगो आता है तो आप उसको बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से किस तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो आज बिल्कुल अलग होने वाला है क्योंकि मैं इसमें आपको कम्प्लीट सोल्यूशन आपको बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि इसमें ये प्रॉब्लम किस लाइन से आती है, क्यों आती है और हम उसको किस तरीके से बिल्कुल जंपर सोल्यूशन से हम इसको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों, यहां पर हम बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे सामने है Vivo Y15s का ये मदरबोर्ड है और ये है इसका सीसी बोर्ड। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि ये किस कारण प्रॉब्लम आती है। वो आती है हमारे इस ईयरफोन जैक में, उसको नहीं बताऊंगा। उससे पहले मैं इसमें कुछ आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, सबसे पहले ये वाली जो लाइन होती है वो होती है हमारी राइट साइड, मतलब हमारी ईयरफोन की जो राइट साइड का स्पीकर होता है उसका जो सिग्नल आता है इस वाली लाइन में आता है, और ये वाला लाइन होता है वो उसका होता है लेफ्ट साइड का लाइन। ठीक है, ये वाला लेफ्ट साइड का होता है, और उसके बाद जो ये वाला होता है वो होता है हमारा माइक, मतलब हमारे ईयरफोन के अंदर जो माइक रहता है उस माइक का सिग्नल हमारे इस वाले लाइन में आता है, और उसके बाद में ये वाली है लाइन होती है वो हमारा ग्राउंड होता है माइनस वाला। ठीक है, यहाँ पर मैं माइनस लिख देता हूँ। और उसके बाद में जो ये वाली लाइन होती है, ये वाली लाइन होती है हमारे डिडक्शन की लाइन, जिसको मैं डी से लिख देता हूँ। डिडक्शन मतलब ये डिडक्ट करती है हमारे मोबाइल में। अब मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूँ कि हमारे मोबाइल में ईयरफोन का लोगो दिखाता कैसे, मोबाइल को कैसे पता चलता है कि हमारे इसके अंदर ईयरफोन कनेक्ट हो गया है। दोस्तों, आप भले ईयरफोन कनेक्ट मत करना, उसके बाद भी अपने मोबाइल में इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके देखना। मतलब जब हमारी डिडक्शन लाइन हमारे लेफ्ट या राइट दोनों में से एक लाइन के टच होती है, तो फिर इस लाइन से सिग्नल जाता है हमारी मोबाइल के पास कि ईयरफोन कनेक्ट हो गई है, और वो ईयरफोन का लोगो दिखाता है। देखो, जब आप मल्टीमीटर को बीप रेंज पर सेट करोगे और दोनों प्रोब को, एक को यहाँ पर रखना, एक को यहाँ पर रखना, जब आप रखोगे तो बीप यहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप ईयरफोन को कनेक्ट करोगे उसके बाद कंटिन्यूटी चेक करना, यहाँ पर बीप आएगी। इसलिए जब ये दोनों पॉइंट शॉर्ट होते हैं तो फिर हमारे मोबाइल में इस लाइन से, डिडक्शन लाइन से सिग्नल जाता है कि हमारे यहाँ पर इसमें ईयरफोन लोगो लग गया है। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊं हम इसको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसकी डिडक्शन लाइन को मालूम होना ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले तो आपको फिजिकली चेक करना है। दोस्तों देखो, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता दूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो को छोड़ के चले जाएं, पहले पूरा देख ले, क्योंकि अधूरा ज्ञान ना होने से अच्छा है। इसलिए ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस कनेक्टर को अच्छे से क्लीन करना है, फिजिकली तौर पे देखना है कि ये डैमेज तो नहीं है, क्योंकि अंदर से अगर, क्योंकि ये या इस तरीके से पिनें निकली रहती है, इधर से भी निकली रहती हैं, इधर से भी निकली रहती हैं, देखो इधर से भी यहाँ पर इधर निकली रहती हैं, और ये वाली पिन यहाँ इस तरह निकली रहती है। जब हम इधर ईयरफोन को कनेक्ट करते हैं तो ये दोनों पिन शॉर्ट हो जाती हैं, जिससे हमारा ईयरफोन को लोगो आता है। अगर ये दोनों पिन अंदर जुड़ी रह जाती हैं, मतलब अगर डैमेज होने की वजह से जुड़ जाती हैं आपस में, तो भी हमारा ईयरफोन को लोगो दिखाएगा। इस कंडीशन में अच्छे से क्लीन कर दीजिए, और उसके बाद भी नहीं होता तो एक बार ईयरफोन को आप निकालना, ईयरफोन को पूरा निकालना। ठीक है, ईयरफोन को जैक को पूरा निकाल देना है। दोस्तों, जैक निकालते समय ध्यान रखें कि आप इसको जला ना दें, बिल्कुल सही तरीके से निकालें। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं, ईयरफोन लोगो आता है तो उसका बाद में भी मैं सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा क्यों आता है। पहले हम इसकी डिडक्शन लाइन को समझ लेते हैं। इसकी जो डिडक्शन लाइन है हमारे इस कनेक्टर के इधर से, जब आप काउंट करोगे तो सातवें नंबर पिन होती है उस पर हमारी जाती है ये डिडक्शन की लाइन। इस वाले सातवें नंबर पिन पर हमारे डिडक्शन की लाइन जाती है, और उसके बाद ये हमारे मेन पत्ते के जरिए जाती है ऊपर की तरफ, जो आप कनेक्टर देख रहे हैं। इस कनेक्टर के यहाँ पर जो सातवां नंबर पिन है उस पर हमारी जाती है डिडक्शन की लाइन, और उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये रजिस्टर लगा है, इस रजिस्टर के इस वाले पॉइंट पर हमारी इस डिडक्शन की लाइन आ जाती है। और उसके बाद दोस्तों, इस डिडक्शन की लाइन के इस वाले पॉइंट, ये सीरीज के अंदर रहता है, उसके बाद जाता है हमारे यहाँ पर ऊपर की तरफ इस वाले एनसी पॉइंट में, और इस एनसी पॉइंट से सीधा हमारे इसमें पावर आईसी में इसका सप्लाई जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर इसमें ईयरफोन लोगो की प्रॉब्लम आए तो ध्यान रखें कि यहाँ पर कोई कंपोनेंट आपका ये ग्राउंड से शॉर्ट तो नहीं हो रहा है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और उसके बाद इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, अगर आपके देखो डीसी मशीन को 2 वोल्ट पर आप सेट कर लीजिए, उसके बाद में आपको 1 एम्पियर पर आपको सेट रखना है, उसके बाद में इसकी प्लस वाली लाइन को इस डिडक्शन लाइन पर रखना है और माइनस वाली लाइन को इस पर रखना है।
अब धीरे धीरे आपको एम्पियर बढ़ाना है। जब आप 2 एम्पियर तक पहुंच जाओगे तो इस लाइन में जो भी शॉर्टिंग होगा कंपोनेंट वो निकल जाएगा, जिससे आपके हेडफोन लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको एक प्रैक्टिकली बताता हूं, जैसे आप कभी ये सॉल्यूशन देखा होगा हेडफोन लोगों में कि बैटरी कनेक्टर के प्लस वाले पॉइंट से लेकर आप यहां पर किसी पे जो डिडक्शन की लाइन होती है उस पर जंपर कर दो आपकी हो जाएगा। वो क्यों होता है? क्योंकि देखो कुछ देर के लिए तो फिर वो कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है और उसके बाद हम उसको निकाल भी देते हैं तो भी ईयरफोन का लोगो नहीं आता है वापस। इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो कंपोनेंट जल चुका है, जिसके जो ग्राउंड से शॉर्ट है वो बिल्कुल निकल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारी सप्लाई रुक जाती है और हमारा ईयरफोन का लोगो हट जाता है। इस तरीके से दोस्तों हमारे वीवो Y15s में ईयरफोन के लोगों की प्रॉब्लम आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।